आपका जो स्वाभाविक बरसों बरस से लोकसभा की तकरीर से लेके अब जब आप राज्य चला रहे हैं तो सारी जनता कहती है कि आप बहुत ही मनमोहक मृदुभाषी साइकिल वाले मामा हैं, आपको ये बुलडोजर बाबा बनने का क्या शौक चढ़ा? मैं आपको बताऊं, मैं 2005 के अंत में मुख्यमंत्री बना, तब मध्य प्रदेश में तीन समस्याएं थी। एक, डकैतों का आतंक था ग्वालियर चंबल में, बॉलीवुड में फिल्में बनती थी हर साल, चंबल की कसम और पता नहीं कौन कौन सी, डाकू सुल्ताना। हमने उस समय कहा था कि मध्य प्रदेश, मैंने ग्वालियर जाके बैठक की थी, अगर पत्रकार मित्रों को याद हो, ग्वालियर बैठ के जाके मैंने बैठक की थी और मैंने कहा था मध्य प्रदेश की धरती पर या तो डाकू रहेंगे या शिवराज रहेगा, दोनों एक साथ नहीं रह सकते। साल भर के अंदर सारे डकैतों के ग्रोह समाप्त कर दिए, एक डकैतों का ग्रोह नहीं बचा, और बचते इसलिए थे कि कहीं ना कहीं राजनीतिक संरक्षण भी उनको मिलता था, पूरी तरह से डकैत समाप्त हो गए। हमने नक्सलवाद को सीमित कर दिया, बालाघाट के आगे नहीं बढ़ पाए। एक जमाना था 2003 के पहले जब एक सिटिंग मिनिस्टर थे, उनकी गर्दन काट के नक्सलवादी ले गए थे, वो जमाना भी था। सिमी के नेटवर्क को पूरी तरह से ध्वस्त करने का काम किया। तो सज्जनों के लिए फूल से ज्यादा कोमल और दुष्टों के लिए वज्र से ज्यादा कठोर, यह हमारा ध्येय वाक्य है। जनता के लिए तो फूल से ज्यादा कोमल है, लेकिन डाकुओं का क्या करेंगे, नक्सलियों का क्या करेंगे, अपराधियों का क्या करेंगे, माफियाओं का क्या करेंगे? अगर कोई दुराचार करता है किसी बेटी के साथ तो क्या उसको फांसी का फंदा उसके गले में नहीं डलना चाहिए? मध्य प्रदेश पहला राज्य जिसने तय किया कि ऐसे दुराचारी को फांसी की सजा मिलेगी, कानून बनाया हमने, और बुलडोजर भी चलेगा, इसमें दिक्कत क्या है? जो अपराधी है उनके ऊपर चलता है।